गुड इवनिंग बच्चों, मैं हेमंत शांडिल्य फिर आया हूँ फ्लूड मैकेनिक्स का फर्स्ट डिवीजन के लिए। देखो फ्लूड स्टडी अभी क्या है, हम फ्लूड स्टडी पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था फ्लूड स्टडी कैसे होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, स्टैटिक फ्लूड स्टडी एंड डायनामिक फ्लूड स्टडी। स्टैटिक हम पहले कर चुके हैं, डायनामेटिक में हम काइनेमेटिक कर चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक मैंने बताया था, काइनेमेटिक कौन सी होती है, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ फोर्स। तो कौन सी स्टडी हो जाएगी, वो काइनेमेटिक। और जब हम विद कंसिडर ऑफ फोर्स, यानी कि जो मोशन है उस विद फोर्स कॉज मोशन, यानी कि जो मोशन का कॉज है वो फोर्स है, उसको स्टडी करेंगे, तब वो कौन सी स्टडी होगी, काइनेटिक, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, फोर्स की। यहाँ पे न्यूटन का हम सेकंड लॉ पढ़े थे ना, वो पूरा वैलिड होगा, ठीक है। अभी देखो दो टाइप की इक्वेशन होती है, मैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, अभी शुरू करता हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट जरूरी है बताना, यूलर इक्वेशन होती है, बर्नौल इक्वेशन होती है, आपने इनके नाम सुने होंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है, यूलर इक्वेशन किस पे बेस्ड है, मोमेंटम प्रिंसिपल पे। यूलर इक्वेशन किस पे है, मोमेंटम प्रिंसिपल पे। एंड बर्नौल इक्वेशन किस पे है, एनर्जी प्रिंसिपल पे। याद रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में सिंगल मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। बर्नौल इक्वेशन पूछ लेगा, एनर्जी प्रिंसिपल दिया होगा, मोमेंटम प्रिंसिपल दिया होगा, और बाकी दो ऑप्शन और होंगे, तो आपको क्या लगाना है, एनर्जी प्रिंसिपल। अभी याद कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसका, क्यों है ऐसा, और याद करने का एक तरीका बताता हूं आपको। याद करना है पहले तो ऐसे याद कर सकते हो, ई एम, तो ई एम आप सुन रहे हो आजकल, देखो ट्रिक बता रहा हूं ये, ईवीएम, ईवीएम मशीन सुन रहे हो ना, ईवीएम मशीन पे हैक हो रही है, बीजेपी को वोट जा रही है, तो यहां से आप याद कर सकते हो ईवीएम, यानी कि ई के साथ क्या आएगा, एम, मोमेंटम इक्वेशन आ जाएगी, आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये दो सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यहां से ई टू एम, और बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हम करते ही है, बीटेक बीई, पहले बीई होती थी, तो बी के साथ क्या आएगा, बर्नौली के साथ एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, ठीक है, बीई, ठीक है, याद हो जाएगा, आशा करता हूं याद हो गया होगा अब तक ये, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, डायनेमिक बिहेवियर, ठीक है, मैंने बताया ना डायनेमिक बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं हम, और किस डायनेमिक में भी दो होते हैं, काइनेमेटिक और काइनेटिक। काइनेमेटिक ही कर चुके हैं अभी हम, मैंने बताया था स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन इससे पीछे की वीडियो में। अभी देखो काइनेटिक, काइनेटिक में क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम इनटू ए, ठीक है। तो इसी पे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ आके हम इस पूरी यूनिट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, देखो हमें देखना है कि एक फ्लूड पे फोर्स एक्ट करते हैं तो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो पता होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, बताऊंगा कैसे आता है, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया बताऊंगा कि आपको बर्नौल इक्वेशन आप डिराइव करने के लिए भी आती है, पीएससी सर्विस कमीशन आप कभी बैठोगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो कन्वेंशनल पेपर होता है तो उनमें बर्नौल इक्वेशन प्रूफ करने को आ जाती है, तो आप यहां से कर पाओगे। देखो ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स आपको पता है, थ्रू ग्रेविटी जो जाएगा, प्रेशर फोर्स भी आपने सुना है, विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस, एंड माइनर फोर्स लाइक सरफेस टेंशन। तो इतने टाइप के हमारे टोटल फोर्स होते हैं जो एक फ्लूड पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में। बट हम अजम्पशन लेते हैं कुछ, ठीक है, हम अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन से हमें क्या बनता जाता है, हमारी इक्वेशंस बनती जाती हैं। देखो व्हेन ऑल फोर्स टेकन इनटू अकाउंट, बहुत जरूरी बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं अभी, तो व्हेन ऑल फोर्स टेकन इनटू अकाउंट, अगर मैं सारे फोर्स अकाउंट में ले लूं, एफ ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, एंड टर्बुलेंस फोर्स, तो इक्वल्स टू एम ए, तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं अभी इसको, आपकी कंप्रेसिबिलिटी को और सरफेस टेंशन को, यानी कि माइनस फोर्सेस को मैं मान लूं, निगलेक्ट कर दूं, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं इनके सापेक्ष, इनके उसमें विद रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करा, सपोज करो व्हेन कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन आर निगलेक्टेड, बहुत निगलेजिबल होते हैं, मैंने निगलेक्ट कर दिया फ्लूड में, तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंस फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू एम ए, ये बन गए रेनॉल्ड्स, ये आता है ना, वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, व्हेन कंप्रेसिबल एंड सरफेस टेंशन को मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो कौन सी क्वेश्चन बनेगी, कौन सी क्वेश्चन बनेगी, रेनॉल्ड नंबर, या दे देगा रेनॉल्ड नंबर के लिए कौन सी वाली फोर्स की क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, व्हेन अभी क्या होगा, इसमें अगर मैं सरफेस टेंशन को क्या करूं, सरफेस इसको टर्बुलेंस को भी निगलेक्ट कर दूं, इसको भी मैं मानू कि ये बहुत कम होगा इनके रेस्पेक्ट में, तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, वो नेवियर स्टोक इक्वेशन, यानी कि ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स, और इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा अब, तो कौन सी, अब देखो ये ऐसे याद रखना, ठीक है, अपना जैसे मैं बता रहा हूं, पहले न्यूटन इक्वेशन आई, फिर रेनॉल्ड्स आई, फिर नेवियर स्टोक इक्वेशन आई, इनटू एमए, इसके बाद क्या होगा, अगर मैं विस्कस फोर्स को मैं निगलेक्ट कर दूं, मैं मानूं कि ये जो हमारा फोर्स है वो इनविस्कस है, ठीक है, इनविस्कस फ्लूड लूं, व्हेन ओनली ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स कंसीडर हो, तो कौन सी इक्वेशन बन जाती है, वो यूलर फोर्स,
यूलर फोर्स कौन सी, यही हमारी यहीं से पूरी कहानी चलती है बर्नौली की। अगर मैं इस यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी बर्नौली इक्वेशन, ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ये हो जाएगी यूलर इक्वेशन। तो आपको याद रखना है यूलर इक्वेशन में ग्रेविटी फोर्स और प्रेशर फोर्स होता है, बाकी सब अजम्पशन है। अजम्पशन भी आप यहीं से साथ के साथ याद करोगे, सारे अजम्पशन हो गए जो हमने लंगडक्ट करे हैं वो सब अजम्पशन हो गए। अभी चलते हैं आगे, ग्रेविटी फोर्स देखो मैंने बताया है क्या क्या हुआ है इसमें, दोबारा से ग्रेविटी, प्रेशर, विस्कस, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन और टर्बुलेंस है, न्यूटन इक्वेशन ऐसे करके। यहाँ पे एफ सी और एफ सिग्मा काट दो तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ टी काट दो तो ये आ जाएगा, नेवियर आ जाएगा, न्यूटन, रेनॉल्ड्स, नेवियर एंड देन यूलर्स, यूलर आ गई मेरी। यूलर को, यूलर की आप मोमेंटम इक्वेशन देखो क्या होती है, इंटीग्रेशन करने पे बर्नौली इक्वेशन आती है, ये भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, कि यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे कौन सी इक्वेशन बनती है बर्नौली इक्वेशन के लिए बोल देगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऑप्शन कर दोगे, ठीक है, आप क्वेश्चन लगा के देखना गुप्ता गुप्ता से। यूलर्स इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, इस इक्वेशन को जरूर याद रखो, मैंने बोला नो विस्कस फोर्स कंसिडर, हम पहले ही फोर्स विस्कस फोर्स को नेगलेक्ट कर चुके थे इसलिए यूलर आई थी। तो डी पी अपॉन रो प्लस जी इंटू डी जेड प्लस वी इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। देखो बर्नौली इक्वेशन आपको ये वाली याद होगी सबको, ठीक है, तो मैं अब उसे क्यों बोल रहा हूँ, आता है क्या आता है देखो इसमें, देखो ये आपको याद है पी अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या क्या वैल्यू है सब बताता हूँ अभी, ठीक है। अब देखो मैं अगर ये वाली यहाँ ये आती है इक्वेशन को, जब पूरा एक इसका डेरिवेशन है वो भी टाइम नहीं है, जब मैं डीप लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डेरिवेशन करके बताऊंगा क्या होता है, मोमेंटम प्रिंसिपल है ये। तो इसमें क्या होगा, देखो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, पी, ये डी पी है तो पी अपॉन रो प्लस जी इंटू जेड प्लस वी वी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जी को मैं अगर नीचे ले आऊं यहां से, देखो पी बाई रो जी, जी यहां से कट गया, ठीक है, यानी कि जी से डिवाइड कर दिया सबको, जी जी से कट जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हो सकता है कॉन्स्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारी मेन है बर्नौली क्वेश्चन, याद रखनी है ये सब है क्या, देखो पी अपॉन रो जी क्या है प्रेशर हेड, अभी बताऊंगा क्या है, और जेड क्या है डेटम हेड, और वी स्क्वायर अपॉन टू जी क्या होता है काइनेटिक हेड। देखो और पी अपॉन रो जी प्लस जेड को मैं जोड़ दूं, अगर पी अपॉन रो जी आ जाता है पी एच प्लस डेटम हेड इक्वल टू क्या होता है पीजोमेट्रिक हेड, हमने पढ़ा था इससे पहले, मैनोमीटर पढ़े थे फ्लूड के प्रेशर के लिए, तो एक पीजोमेट्रिक होता था, उसमें पीजोमेट्रिक लगाने पे जो जितना भी हेड ऊपर जाएगा तो वो क्या होता है हमारा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, और वी स्क्वायर अपॉन टू जो होता है काइनेटिक हेड, और इसे वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें नोट करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, बर्नौली इक्वेशन केवल वहां वैलिड होगी जहां इरोटेशनल फ्लो हो, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है बर्नौली इक्वेशन कहां वैलिड होगी, जहां पे इरोटेशनल फ्लो हो, रोटेशनल फ्लो में बर्नौली इक्वेशन वैलिड नहीं होती, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी। और दूसरा पॉइंट ये है व्हेन मैस नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.3, यहां से दो ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो हाईली कंप्रेसिबल, एक तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया, वो बोल देगा आया हुआ क्वेश्चन है कि जब कंप्रेसिबल फ्लूड है मेरा तो उसका मैस नंबर कितना होगा, कितना होता है या तो 0.3 या 0.3 से ज्यादा, और इतना होगा तो हमारी नॉट एप्लीकेबल होगी बर्नौली, बर्नौली इक्वेशन यहां पे भी वैलिड नहीं होगी जहां पे अगर 0.3 से मैश नंबर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, देखो p बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड इक्वल टू सी, ये भी बर्नौली इक्वेशन है, ये पार्ट है बर्नौली इक्वेशन के। देखो मैंने क्या कराया, जी से ही तो वो कराया, क्या कर दिया है जी, जी से मैंने क्या कराया, जी से मैंने यहां मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p बाई रो क्या होगा, ये ऐसे आता है आपको ऐसी इक्वेशन दे देगा और वो ये सब पूछेगा ये वैल्यू किस किस चीज की है, ठीक है। तो क्या याद करना है, प्रेशर एनर्जी अपॉन मास, वी स्क्वायर अपॉन टू क्या है काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, और जी जेड क्या है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ठीक है। अब देखो वो ऐसे भी दे सकता है इस फॉर्म में, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड, यहां पे देखो इसने जी से मल्टीपल करी थी, बस जी से मल्टीपल करेंगे जी कट गया, यहां का जी कट गया और यहां मल्टीपल हो गया, जब जी से मल्टीपल कर देंगे तो क्या जाएगा प्रेशर एनर्जी, ये किसमें है, किसमें आई इक्वेशन प्रेशर एनर्जी में, ठीक है, और ये किसमें आ रही है हमारी, ये वेट में आ रही है और ये मास में आ रही है, इन दोनों में ये अंतर है, ठीक है। तो वो ऐसे पूछ लेगा कि ये किसमें है मास वेट ऐसे करके दे देगा, किसमें है तो किसमें है मास में है ना, और जिसमें हम जी से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। और जब हमारे नॉर्मल है पी अपॉन रोजी वाली तो किसमें है वो वेट में, ये जरूर याद रखना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, जेड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट कॉन्स्टेंट। इस लाइन का पूरी बर्नौली इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका सिंपल से मतलब है कि देखो एनर्जी है, मैंने बोला एनर्जी हमने पढ़ा है ऊर्जा को ना तो मारा जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, हमने पढ़ा है ना, ये यही फंडा है। देखो आप ये एनर्जी तो है सारी, इस कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर सपोज करो ये मेरा पाइप है, ठीक है, इस सेक्शन पे कुछ एनर्जी है
और इस सेक्शन पे भी कुछ एनर्जी है, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी होगी इस सेक्शन पे, तो वो टोटल एनर्जी यहां होगी, बस वो कन्वर्ट हो सकती है। अभी प्रेशर एनर्जी सपोज करो यहां पे 100 थी, यहां पे 50 हो गई, लेकिन वो 50 जो बची होगी या तो वेलोसिटी में चली जाएगी या डेटम में, या डेटम की वेलोसिटी में चली जाएगी, मतलब कन्वर्ट होती रहेगी वो एक दूसरे में, लेकिन रहेगी कॉन्स्टेंट, यानी कि पी वन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड टू इधर, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा, यानी कि इस पे और इस पे टोटल एनर्जी इक्वल होगी। अब एक फॉर्म ये भी है इसकी, रो जी से आप मल्टीपल कर दो तो पी प्लस रो वी स्क्वायर बाई टू, जी से जी कट जाएगा ना, तो रो वी स्क्वायर बाई टू बन गया प्लस रो जी जेड बन गया। ये तो आप जानते ही हो, एमजीएच, एमजीएच में इससे पहले पढ़ा चुका हूं है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हम निकालते थे, ये जो निकालते थे रोजीएच का, रोजीएच तो होता था, ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही तो है, यानी कि जो पानी का भार है ऊपर से, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है उस पानी के भार से, वो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। पी स्टेटिक प्रेशर, स्टेटिक प्रेशर क्या होगा, आपका एक पाइप जा रहा है उसमें आपने पीजोमेट्रिक लगा दिया, तो जितना पानी ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेटिक प्रेशर, यानी कि पानी को फ्लो में आपने कोई मैनोमीटर लगा दिया, तो उससे जो प्रेशर हमें आया। अब ये क्या है, रो वी स्क्वायर बाई टू, ये होता है डायनेमिक प्रेशर। ये डायनेमिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, डायनेमिक सिंपल सा है, पानी बह रहा है, आपने उस पर एकदम स्टॉप लगा दिया, सपोज करो आपने हाथ लगा दिया अपना, तो पानी कितना ऊपर उठेगा उससे, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी को उसकी जीरो कर देना, और तो उस वेलो यानी कि काइनेटिक हेड जो है वो पोटेंशियल इस हेड में बदल देना, ठीक है, यानी कि इससे जो जितना ऊपर हेड पानी जाएगा, जितना हेड, वही कौन सा है, डायनेमिक प्रेशर। आगे मैंने लिखा हुआ है, देखो ये देखो P क्या है, स्टेटिक। अगर पाइप में आप कहीं भी मैनोमीटर लगाओ तब P प्लस रोजी जेड, या रोजी जेड तो वही हो गया आपका पानी का भार, उससे प्रेशर जो है, और अपना उसका नॉर्मल प्रेशर जो है पीजोमेट्रिक प्रेशर, तो पीजोमेट्रिक हेड मिल जाएगा। अगर रो वी स्क्वायर बाई टू है तो बहते हुए पानी को रोकने पर वो जितना ऊपर चढ़ जाएगा, जितना ऊपर चला जाएगा, उसको बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर, यानी कि रो वी स्क्वायर बाई टू। इफ अब मैं बोल देता हूं, अगर स्टेटिक प्रेशर ये ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है, और प्लस रो वी स्क्वायर बाई टू यानी डायनेमिक प्रेशर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा, वो पी प्रेशर स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन प्रेशर, उसे क्या बोलते हैं, स्टेग्नेशन प्रेशर, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो मैंने एक पाइप लिया, इससे समझ में आ जाएगा आपको पूरा, यहां मैंने एक पीजोमीटर लगा दिया सेक्शन पे, ठीक है, और यहां पे मैंने इसी सेक्शन पे एक पिटोट ट्यूब लगा दी, इन दोनों में मैं बताऊंगा पीजोमेट्रिक क्या होता है, आप पढ़ी चुके हो, पिटोट ट्यूब अभी नहीं पढ़ा, पिटोट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करने के लिए काम आता है, पिटोट ट्यूब भी एक मेजरमेंट डिवाइस है, कुछ नहीं है। देखो ये अब मेरा, देखो यहां तक ये डेटम हेड था, सपोज करो डेटम पे पाइप नीचे है, ये डेटम हेड था, अभी क्या हुआ, मैंने जेड इससे ऊपर जो है डिस्टेंस आया पीजोमेट्रिक में, ठीक है, तो ये क्या आएगा, पी बाई रो जी, क्या आएगा, पी बाई रो जी, है ना, समझ गए, यहां से पी वाई रोजी में बता चुका हूं पीजोमेट्रिक में। अभी क्या, मैंने जब पिटोट ट्यूब लगाई तो पिटोट ट्यूब में मैंने बोला ना वेलोसिटी क्या हो गई, यहां पे जा रहा था पानी, मैंने रुक गई वेलोसिटी, यहां पे रुक गई ना, तो इससे ऊपर चढ़ गया, यही वही वाला कॉन्सेप्ट है कि मैंने हाथ लगा दिया पानी के बहते हुए पानी में, तो मेरे हाथ के ऊपर की तरफ चढ़ता है ना पानी, तो वही कॉन्सेप्ट है, तो पानी ऊपर चला गया, तो पानी कितना ऊपर गया, पानी चला गया हमारा दिस वन, तो लेकिन मैं पीजोमेट्रिक से, जितना पीजोमेट्रिक में हेड है उससे ऊपर जितना गया है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन टू जी, यानी कि यही है हमारा क्या, डायनेमिक, ये जो हमारी वी स्क्वायर अपॉन टू जी जो वेलोसिटी हेड है वो है जो हमारा जितना पीजोमेट्रिक से ऊपर गया है, याद रखना है पिटोट ट्यूब में। अभी देखो टोटल, यहां से मेरा टोटल जो है इसे ही बोलते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर, यानी कि पी बाई रो जी यहां तक प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है, अब इक्वल टू ये आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, डायग्राम याद रखना, एक बार समझ लो, और इस पॉइंट को बोलते हैं स्टेग्नेशन प्रेशर, जहां पे वेलोसिटी रिड्यूस टू जीरो, वेलोसिटी रिड्यूस टू जीरो एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाए उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेग्नेशन पॉइंट। हाथ वाला एग्जांपल याद रखना, हाथ लगा दिया पानी के आगे तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी और ऊपर चढ़ गई, तो उस पॉइंट को बोलते हैं स्टेग्नेशन, और जितना चढ़ेगी पीजोमेट्रिक से ऊपर जितना चढ़ेगी वो जाएगा वेलोसिटी हेड, पीजोमेट्रिक तक क्या होता है स्टैटिक हेड, और नीचे डेटम हेड, और स्टैटिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड क्या होता है स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है, और डेटम हेड प्लस ये हमारा पीजोमेट्रिक हेड ये क्या होता है हमारा, सॉरी डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड क्या होता है हमारा पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। अब देखो पिटोट ट्यूब मैंने बात करी थी, क्या होती है पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब ऑब्जेक्टिव में जरूरी है, सीधा सीधा पूछ लेगा पिटोट ट्यूब क्या पर्पस क्या है, किस लिए काम आती है वो, तो आंसर होगा टू मेजर वेलोसिटी, किस लिए काम आती है टू मेजर वेलोसिटी, बताऊंगा कैसे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक हेड इनटू प्रेशर हेड। जो काइनेटिक हेड होता था हमारा क्या होता था काइनेटिक हेड, एम वी स्क्वायर बाई टू में पढ़ा है ट्वेल्थ में, पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी से किसी, तो काइनेटिक हेड, अगर मैं उसे रोक दूंगा ऊपर चढ़ जाएगी, जाने की किस में बदल दिया मैंने उसे प्रेशर हेड में, तो काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्जन का प्रिंसिपल लिया हमने, ये भी आता है प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे पिटोट ट्यूब काम करती है। यहां से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वी
थियोरटिकल, ये TH का मतलब है थियोरटिकल, बताऊंगा क्या मतलब है थियोरटिकल और एक्चुअल में, इक्वल्स टू रूट टू जी एच, ये कैसे आया बताऊंगा। देखो यहां पे अगर मुझे पॉइंट पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, इस पॉइंट इसमें वेलोसिटी कितनी थी इस पाइप में, तो वो मेरी इससे निकल जाएगी, कैसे निकलेगी वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपको ये फॉर्मुला याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। रूट टू जी एच, एच क्या है यहाँ पे, एच है दिस वन, दिस वन ये हाइट जो है, ये एच यानी कि वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड ही है ये एच, ठीक है। ये देखो कैसे आया है, मैं आपको बता रहा हूं, वी स्क्वायर अपॉन टू जी मुझे पता है, ठीक है, वो था इक्वल्स टू, मैंने बता दिया एच, ये आप समझ में आया ना, वी स्क्वायर अपॉन टू जी एच यही है वेलोसिटी हेड। अब इसे मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रूट टू जी एच, और वी स्क्वायर है तो ये यहां से आ गया फॉर्मूला, भूलोगे नहीं कभी। अभी क्या हो गया, देखो देखो ये वाला आप याद करना, मैं वही बता चुका हूं अभी, ये वी स्क्वायर अपॉन टू जी एच, दिस वन इज एच, ठीक है, कैपिटल एच, यही है वेलोसिटी हेड पीजोमेट्रिक का और हमारे पिटोट ट्यूब के डिफरेंस जो है, ठीक है। तो मेरे को क्या है, वी स्क्वायर अपॉन टू जी एच, तो वी इक्वल टू क्या आ गया, रूट टू जी एच, समझ में आ गया होगा, सिंपल है। तो और एच हम कैसे निकालेंगे, इस एच को कैसे निकालेंगे, देखो ये अगर मुझे एच चाहिए तो मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितनी है, पी स्टेग्नेशन अभी बताई थी, है ना, वेलोसिटी हेड प्लस ये क्या था मेरा स्टेटिक हेड, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है स्टेग्नेशन, तो स्टेग्नेशन माइनस अगर मैं पीजोमेट्रिक हेड ये वाला कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा, है ना, तो स्टेग्नेशन अपॉन रोजी, पी स्टेग्नेशन अपॉन रोजी क्या हो गया, स्टेग्नेशन हेड, और माइनस पी अपॉन रोजी हो गया प्रेशर और स्टेटिक प्रेशर हेड, तो दोनों माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा एच निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक डिवाइसेस आती है वेंचुरीमीटर, तो डिवाइसेस हैं वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब और ओरिफिस, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। तो वेंचुरीमीटर क्या करती है, वेंचुरीमीटर का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव आता है टू मीजर डिस्चार्ज, पिटोट ट्यूब क्या थी टू मीजर वेलोसिटी, याद रखना, ठीक है। अभी देखो वेंचुरीमीटर कैसा होता है, पाइप जा रहा है तो इसके बीच में मैंने एक, ये देखो एक कन्वर्जन दे दिया, एक डायवर्जन दे दिया, कन्वर्जन दे दिया मैंने उसकी, ठीक है, यानी कि मैंने टैपर कर दिया उस पाइप को, एक ये टैपर इसमें कसने का होता है, लगा देते हैं, ठीक है। अभी क्या हो गया, ये डायवर्जन यानी कि कन्वर्जन डायवर्जन, इसमें क्या हो गया, डाया है D1, ठीक है, ये ज्यादा है डाया यानी कि ये एरिया ज्यादा है और ये एरिया कम है जब D2 कम है, तो जब एरिया मेरा ज्यादा है और एरिया कम है, एरिया ज्यादा होगा और एरिया कम में जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी यहां पर होगी V1, वो यहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, बताया था ना A1 V1 इक्वल्स टू A2 B2, अगर मेरा यहां पे A1 ज्यादा है, ठीक है, और A2 कम है, तो सिंपल सी बात है V2 कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। कभी भी आप याद रखो, जब एरिया हमारा कम होगा तो V2 क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उल्टा होता है, ठीक है, और जब हमारा एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे वेलोसिटी कम होगी कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। एंगल ऑफ कन्वर्जन ये आता है ऑब्जेक्टिव, यहां से एंगल ऑफ कन्वर्जन यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, दिस वन, एंगल ऑफ कन्वर्जन कितने एंगल पे हम इसे नीचे जाएं, इसका भी तरीका है, नियम कितना ही नीचे कर देंगे और कितना ही ऊपर कर देंगे, हमें देखना है फ्लो ऑफ सेपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्लो हमारा कंटिन्यू चले, सेपरेशन ना हो, वॉल से हटे ना, ठीक है, वॉल से हटाना नहीं है हमें फोर्स, बिल्कुल सटा के चलना है, यानी कि सेपरेशन नहीं होना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कन्वर्जन क्या होता है 20-30 degree, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, 20-30 degree, और एंगल ऑफ डायवर्जन होता है 6-7 degree, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कोई ऐसा क्यों करते हैं तो किस लिए करते हैं, जिससे फ्लो का सेपरेशन ना हो, ठीक है। डाया D1 है और वेंचुरीमीटर में D2 डाया कितना होता है, D1 का 1/3 to 1/2, ठीक है, यानी कि आधे से और 1/3 के बीच में जो होगा D2 होगा, ठीक है। और एंगल किसने प्रोवाइड करते हैं, अवॉइड फ्लो सेपरेशन, वेंचुरीमीटर से यहां से आप मैंने दिखाया, तो इसमें क्या बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं हम, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करने से हमारा डिस्चार्ज निकल जाता है, हमें डिस्चार्ज किस निकाला, देखो ये हमने दो सेक्शन काटे, एक सेक्शन मैंने बड़े वाले डायपर काटा, एक मैंने यहां काटा है, ठीक है, ये बीच में, अभी देखो दिस वन इज पीजोमेट्रिक हेड, मैंने पीजोमीटर लगा दिया, यहां पे लगा दिया, तो इसमें क्या हुआ, देखो यहां प्रेशर ज्यादा है और यहां प्रेशर कम है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या, पानी कम उठा तो प्रेशर कम है इस पॉइंट पे, कम कैसे हुआ, जब वेलोसिटी यहां ज्यादा हो गई थी, जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो ये भी याद रखना प्रेशर कम हो जाता है, जहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी वहां हमारा स्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया ना वेलोसिटी हेड, स्टैटिक हेड, डेटम हेड, ये सब एक दूसरे में कूदते रहते हैं लेकिन होता कॉन्स्टेंट ही है, तो जब वेलोसिटी हेड वाला पोर्शन मेरा बढ़ गया तो कहां से बढ़ा होगा, वो प्रेशर हेड से बढ़ा होगा, तो ये वाला पोर्शन गया तो ये लॉस हो गया, है ना। अब देखो A1 greater than A2 तो क्या होगा, V2 greater than V1, प्रेशर डिक्रीज, तो दोनों सेक्शन पर बर्नौली अप्लाई कर देंगे, मैंने बताया था बर्नौली अप्लाई करेंगे P1 रोजी, देखो यहां पे करेंगे P1 रोजी प्लस V1 square upon 2G प्लस Z1 equals to P2 रोजी प्लस Z2 plus V2 square upon 2G, P1 रोजी प्लस Z1 क्या होता है सीधा सा, हाँ P1 रोजी प्लस Z1, यहां से आप Z1 और Z2 मैंने इक्वल, अभी ये इंक्लाइंड नहीं है ना, इक्वल है, तो Z1 Z2 हम सेम मान सकते हैं रेफरेंस, तो कट जाएंगे, तो P1 रोजी माइनस
P2 रॉजी इधर आ गया और V2 ये इधर है और V1 इधर चला जाएगा, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू H, इसे बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस। क्या है ये? पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस है ना, ये देखो पीजोमेट्रिक थे दोनों, तो ये हेड डिफरेंस आ गया मेरा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। और हमें पता है डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है V वेलोसिटी इंटू एरिया, याद रखना ये फॉर्मुला बहुत कॉमन फॉर्मुला है, क्यू इक्वल टू वी इंटू एवी से, ठीक है। तो क्यू थ्योरेटिकल, देखो क्यू थ्योरेटिकल और वी थ्योरेटिकल मैंने बोला ही बताऊंगा, ये सब हमारा थ्योरेटिकल मतलब परफेक्ट है, अगर कोई आइडियल कंडीशन है तब थ्योरेटिकल होगा, बट आइडियल होता नहीं है, कुछ कुछ लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो उन लॉसेस की वजह से हम एक कोफिशियंट मानते हैं और तब निकलता है हमारा एक्चुअल क्यू एक्चुअल, वैसे वेलोसिटी एक्चुअल, तो जैसे निकला ना क्यू एक्चुअल, तो एक हमने सीडी लगा दिया, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं इसे, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनेगा इसके यहां से A1 A2 रूट 2GH अपॉन रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, बहुत जरूरी फॉर्मूला याद कर लेना, दो तीन बार लिख लेना याद हो जाएगा, कि क्यू एक्चुअल इक्वल्स टू सीडी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज आ गया इनटू क्यू थ्योरेटिकल, समझ गए ना इसकी, हमने क्यू निकाला क्यू एक्चुअल, क्यू थ्योरेटिकल तो आइडियल कंडीशन है बट ऐसा होगा नहीं, तो क्या एक्चुअल में क्या होगा, सीडी का मल्टीपल कर देंगे। तो सीडी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिवली अब है आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्टिवली ये कहानी शुरू होती है सीडी, वो पूछेगा कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर, क्या आंसर होगा 0.98 रखना, कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ऑरिफिस मीटर भी पूछता है वो, बट उसके लिए होता है 0.64 आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सीडी की वैल्यू हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हेडलॉस के थ्रू भी दे देगा, प्रॉब्लम दे सकता है, हेडलॉस बोल देगा इतना हुआ, ठीक है, यानी कि तो वो कैसे निकलेगी, सीडी हमारा किस पे डिपेंड करता है, हेड लॉस पे डिपेंड करता है, मैंने बताया ना कुछ लॉसेस होंगे, लॉसेस की वजह से एक्चुअल आएगा, आइडियल कंडीशन नहीं आएगी, लॉसेस हो जाएंगे तो डिस्चार्ज कम हो जाएगा ना, तो जिस लॉसेस से डिस्चार्ज कम होगा तो हम कितना सीडी का मल्टीपल करेंगे, तो हम लॉसेस उसमें इंपॉर्टेंट है, लॉसेस से ही वो क्या होता है डिपेंडेंट है लॉसेस के ऊपर, तो एच माइनस एच एल अपॉन एच याद रखना है रूट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू सीडी की वैल्यू। अब देखो आप ये मैंने वेंचुरीमीटर लगा दिया यहाँ पे सब, ये मैंने लगा दिया एक यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर भी होता है और ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, तो क्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे A1 A2 रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ पे जो H होगा, अब देखो ये मेरा मैनोमेट्रिक क्या था, मैनोमेट्रिक फ्लूड था, है ना, तो अभी मुझे पता है वन पे क्या प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ प्रेशर कम है, पीछे बता चुका हूँ प्रेशर ज्यादा है तो ये नीचे चला गया और ये ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया, कितना डिफरेंस हुआ इसमें एक्स, तो अभी डायरेक्ट एच की वैल्यू नहीं है ये YouTube में, ये डायरेक्ट एच की वैल्यू नहीं है क्योंकि YouTube मैनोमीटर है, वो पीजोमेट्रिक था, पीजोमेट्रिक में डायरेक्ट एच की वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे रखेंगे x, इसमें gm अपॉन g माइनस वन, जी एम क्या है पहले बता चुका हूं, मैनोमेट्रिक फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये, और ये वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैनोमेट्रिक को ऊपर रखेंगे और वाटर को नीचे रखेंगे, याद रखना gm अपॉन g माइनस वन और इंटू x जितना है, तो यहां से हमारा h आ जाएगा, रख देंगे, ठीक है। देखो मैनोमीटर, मैं इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें एक थोड़ी सी गलती हुई थी मेरे से, उसमें क्या जल्दी जल्दी में मैं ये तो बता दिया था सही कि डेंसिटी हाई होती है मैनोमीटर की, वो मैंने कमेंट देखे बच्चों के तब पता चला, मैनोमीटर लिक्विड जैसे मरकरी है कि डेंसिटी जो है हाई होती है, मैंने बताया था, इसी के साथ मैंने एंड लिख दिया था वेपर प्रेशर भी होती है, वो हाई नहीं होती, ठीक है, वो होती है कम, वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, ठीक है, याद रखना, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया था तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं इसे, वेपर प्रेशर हमेशा मैनोमेट्रिक लिक्विड का कम होता है और डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। अब यहां से फिर क्यू एक्चुअल निकालेंगे सीडी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, तो सीडी यहां पर कितना हो जाएगा एच माइनस एच एल अपॉन एच, ठीक है, हमें पता है अगर ये इन्वर्टेड होता, सपोज करो मैंने बताया ना इन्वर्टेड भी, तो इसमें उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड मैनोमीटर में वही है एक्स डिफरेंस आ जाएगा, एक्स बाहर रखेंगे वन माइनस जीएम अपॉन जी, अगर इन्वर्टेड नहीं होता तो जीएम अपॉन जी माइनस वन, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर भी क्या है, टू मीजर डिस्चार्ज, जैसे ये भी एक मेजरमेंट डिवाइस है जैसे कि हमारा वेंचुरीमीटर था, ये इसमें और वेंचुरीमीटर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये जो हमारा थोड़ा चीपर होता है और लेकिन इसमें एनर्जी लॉस होता है क्योंकि चीपर है, सीधी सी बात है, थोड़ा घट, ये समझो आप सस्ता माल आ गया, तो सस्ता माल क्या है ऑरिफिस मीटर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कहां पे यूज होता है, जहां पे स्पेस की कमी हो, अभी मैंने देखा वेंचुरीमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वहां पे मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, जगह नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, मेरे को पाइप में डायरेक्ट फिट करना है, तो वहां क्या फिट करेंगे ऑरिफिस मीटर, ठीक है। मीजर डिस्चार्ज, ये भी क्या, ये भी डिस्चार्ज मीजर करता है। देखो ऑरिफिस मीटर कुछ नहीं है, एक प्लेट है, गोल एक प्लेट है और उसमें एक गोल छेद है, सपोज करो एक प्लेट हो गई और इसमें एक गोल छेद दे दिया है, ठीक है, इस प्लेट में, ये होता है और इसको हम पाइप पे फिट कर देते हैं, पाइप के क्रॉस सेक्शन पे, तो यहां से पानी निकलेगा ना छेद में से, देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो ये कोई मेरा पाइप जा रहा है, ठीक है, पाइप जा रहा है, ये वाली प्लेट लगा दी मैंने, दिस वन इज प्लेट एंड दिस वन इज होल, ये कोई होल है ऑरिफिस का, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो ये पानी ऐसे जाएगा, फ्लूड ऐसे करके निकलेगा, यहां पे सबसे कम एरिया बनेगा,
जिस पे सबसे कम एरिया बनता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा, यानी कि स्मॉल एरिया, ठीक है, मिनिमम एरिया, मिनिमम फ्लो एरिया को क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है, इसे बोलते हैं ए टू, और जो हमारी ओपनिंग है इसके एरिया को बोलते हैं ए नॉट, और जो हमारा मेन पाइप का डाया है वो है ए वन, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे पीजोमीटर लगा दिया और यहाँ पे पीजोमीटर लगा दिया, यहाँ मैनोमीटर भी लगा सकते हैं लेकिन वही वाली कहानी है, एक्स आ जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू जी एम अपॉन जी माइनस वन, ठीक है। देखो ए वन फ्लो एरिया मिनिमम होगा वीना कॉन्ट्रैक्टा, दिस वन इज वीना कॉन्ट्रैक्टा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पहले देखो ए वन क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया एट वन वन, ए नॉट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओपनिंग, ए टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। जरूरी है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसमें इंट्रोड्यूस हुआ हमारा, याद रखना ओरिफिस मीटर में, ये क्या होता है ए टू अपॉन ए नॉट, ऐसे याद नहीं रहता ये, मेरा याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद हो जाता है, देखना देखो ए टू मेरे को निकालना है, यानी मेरे को मिनिमम वाला फ्लो एरिया निकालना है, तो मिनिमम वाला फ्लो एरिया कैसे निकलेगा, जो हमारी ओपनिंग है ना उसमें आप सीसी का मल्टीपल कर दो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मल्टीपल कर दो इसकी ओपनिंग में, तो क्या जाएगा ए टू, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, ए टू इक्वल्स टू ए नॉट इंटू सीसी। बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। अभी फिर मैं क्यू थ्योरेटिकल निकालूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा ए वन इंटू ए नॉट, ए नॉट क्या है ओपनिंग का एरिया, रूट टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर, इसमें ए टू की जगह क्या लेंगे हम, ओपनिंग का, याद रखना ओरिफिस में, ठीक है। ए नॉट कैसे निकालेंगे, पाई बाई फोर इंटू डी नॉट स्क्वायर, यानी कि जो इसकी ओपनिंग का डाया है। अभी क्यू एक्चुअल सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल मैंने बताया था, सी डी मल्टीपल कर देंगे क्योंकि कुछ लॉसेस होंगे, ये तो आइडियल कंडीशन थी, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी इसमें, और इफ इसमें याद रखना 0.642 0.76 और वन चोरीमीटर में 0.98, ऑब्जेक्टिव याद रखना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए, सी सी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, सी वी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, सी डी इक्वल्स टू सी सी इंटू सी वी, ओके गॉट इट। पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब में मैं सी वी बताना पीछे भूल गया हूं, तो वी एक्चुअल में निकालेंगे हम इसमें, तो क्या हो जाएगा सीवी इंटू वी थ्योरेटिकल, वी थ्योरेटिकल कैसे निकलती है, रूट टू जी एच, मैंने बताया था कैसे पीछे अभी, तो सीवी की वैल्यू कितनी होती है इसमें 0.98, याद रखना पिटोट ट्यूब के लिए भी सीवी की वैल्यू 0.98 है ना। जैसे देखो ये मैंने लगा दिया आपका यहां पे मैनोमीटर लगा दिया, ठीक है, यूट्यूब टू पे, वन पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, टू पे ये वेलोसिटी जीरो हुई होगी, ठीक है, तो वी को चुका था रूट टू जी एच, अभी एच की वैल्यू थोड़ी है, ये डिफरेंस जो है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो क्या निकल जाएगा एक्स जी एम अपॉन जी माइनस वन, अगर ये ऊपर होता तो वन माइनस जी एम अपॉन जी का रूट, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोलिक कोफिशिएंट, आप याद करना ऑब्जेक्टिव, दोबारा एक बार रिवाइज करा रहा हूं, सीसी, सीसी क्या होता है ए टू अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस, यानी कि ए टू निकालेंगे तो ऑरिफिस के एरिया में हम सीसी का मल्टीपल कर देंगे, सीवी निकालना हो तो एक्चुअल जो होगी वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी, सिंपल सा आप याद रखो, वी एक्चुअल क्या होती है सीवी में थियोटिकल का मल्टीपल, यानी कि वी एक्चुअल हमेशा थियोटिकल से क्या होगी कम होगी, तो सीवी होगी 0.98 है, ये वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी, बहुत परफेक्ट कंडीशन होगी, आइडियल कंडीशन होगी तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सीवी की वैल्यू वन हो जाएगी, बट यहाँ पे 0.98 हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना सीडी पूछ ले तो क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोटिकल, तो क्यू एक्चुअल वही वाली कहानी है, सीडी इंटू क्यू थियोटिकल है ना, क्योंकि हमें पता है क्यू एक्चुअल की वैल्यू हमेशा कम होगी, तो सीडी को मल्टीपल करते हैं थियोटिकल में, और इसकी वैल्यू दो होती है 0.98 और 0.642 0.76, ये होती है वेंचुरीमीटर के लिए, ये होती है ऑरिफिस के लिए, क्लियर हो गया। डिवाइसेस बता रहा हूं, वेंचुरीमीटर, फ्लो नोजल, ऑरिफिस मीटर, बेंड मीटर, रोटेटीमीटर, पिटोट ट्यूब, एनोमीटर एंड करंट मीटर, ये सब किस किस के लिए यूज होती हैं, डिस्चार्ज के लिए होती है वेंचुरीमीटर, रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड, फ्लो नोजल डिस्चार्ज, ऑरिफिस डिस्चार्ज, बेंड मीटर डिस्चार्ज, रोटेटीमीटर डिस्चार्ज, याद रखना पिटोट ट्यूब वेलोसिटी थोड़ा डिफरेंट है, एंड एनोमोमीटर एयर एंड गैस वेलोसिटी, एयर एंड गैस वेलोसिटी के लिए ये गेट में भी आ चुका है, ये ऐसे इसके लिए बताता है मिलाने के लिए भी क्वेश्चन, करंट मीटर किसके लिए होता है, करंट मीटर बहुत जरूरी है, याद रखना आप ओपन चैनल फ्लो में भी पढ़ोगे, वेलोसिटी इन ओपन चैनल, यानी कि रिवर वगैरह होती हैं, ये जो चैनल होते हैं इनमें हम अपना वेलोसिटी मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, करंट मीटर का। तो ये चैप्टर खत्म, अभी क्या है मैं अभी नया टॉपिक बनाऊंगा, ओके थैंक।